एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता कमाल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स की तीन ऐसी रेसिपीज जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट हैं। ओट्स की रेसिपीज जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर हम ओट्स को इस तरह से बनाकर खाएं तो इसके बेनिफिट्स हमें और भी ज्यादा मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन रेसिपीज से हम अपना वेट भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं ओट्स की ये अमेजिंग सी रेसिपीज जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ बना रही हूँ कर्ड ओट्स। इसके लिए एक फ्राइंग पैन में मैंने हाफ कप रोल्ड ओट्स ले लिए हैं। इसकी जगह हम इंस्टेंट ओट्स का भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप इसमें पानी डाल रही हूँ। इसके बाद लिड लगाकर इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे कुक होने देंगे। दूसरी तरफ ले रही हूँ हाफ कप लो फैट कर्ड। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट के बाद हम अपनी लिड खोलकर देख रहे हैं तो यहाँ हमारे ओट्स एकदम रेडी हैं। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब यहाँ इसे दूसरे बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये ओट्स एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हमने लो फ्लेम पर ही पकाया था और यहाँ अब मैं ऐड कर रही हूँ दही। और यहाँ दही डालने के बाद इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ओट्स और दही आपस में अच्छे तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, अच्छे टेस्ट के लिए यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम रेडी करेंगे इसका तड़का। एक पैन में मैंने थोड़ा सा डाला है देसी घी। इसमें डाल रही हूँ हींग, राई यानी मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता। इन सभी को हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम लो हीट पर ही कुक करेंगे और हमारा तड़का एकदम रेडी है। इसे हम अपने कर्ड ओट्स पर डालेंगे और बस हो गए हमारे कर्ड ओट्स एकदम रेडी। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इसे हम एक प्लेट में निकालकर अनार से सर्व कर लेंगे। इसे हम ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में कभी भी ले सकते हैं। इसे हम कहीं भी कैरी कर लेकर जा सकते हैं। ये एक प्रोबायोटिक है, हाई फाइबर है, इसमें दही है, वजन कम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप रोल्ड ओट्स। में 2 या 3 स्पून हम पानी डालेंगे जिससे हमारे ओट्स अच्छे से सोक्ड हो जाएंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट तक साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने सारी सब्जियों को फाइनली चॉप करके रख लिया है। इसमें अनियन, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर ले रही हूँ और यहाँ मैंने गाजर भी लिए। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में 2 एग्स मैंने क्रैक करके डाल दिए हैं। इन्हें अच्छे से विस्क कर लेंगे। जो सारी वेजिटेबल्स हमने कट की थी उन सभी को मैं इस एग में डाल रही हूँ। धनिया पत्ती को छोड़कर सारी सब्जियों को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद सोक्ड ओट्स को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मसाले डालने से पहले हम इनको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। यहाँ मसालों में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले नमक और यहाँ 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। और अब यहाँ एक नॉन स्टिक की पैन को मैंने हीट पर रख दिया है और इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाकर ग्रीस कर लिया है इसे। इस मिक्सचर को पैन पर डालकर अच्छे से फैला लेंगे। इसे पूरे पैन पर हम अच्छे से फैलाकर 5 से 10 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। इसे हम नॉन स्टिकी पैन पर ही कुक करें। इसको अच्छे से फैलाने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ धनिया की पत्ती जो मैंने चॉप की थी। इसे अब हम 5 से 10 मिनट तक के लिए कुक होने देंगे और जब ये हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसे हम फ्लिप करने की कोशिश करेंगे। अगर ये फ्लिप नहीं होता है तो इसे हम कट करके भी फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ इसे पूरा फ्लिप करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था तो इसलिए मैंने इसे कट करके ही फ्लिप किया। तो यहाँ इसे मैंने 4 पार्ट में कट कर लिया है और फिर इसे मैंने फ्लिप किया है।
इसे हम फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक करेंगे। ये ओट्स ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है। इसे खाकर हमें पूरा दिन भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ये फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब चलते हैं हम अपनी लास्ट और तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है ओवरनाइट सोक्ड ओट्स। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है और वो अपना वज़न भी कम करना चाहते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके मीठा खाने की क्रेविंग को भी सेटिस्फाई करेगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच इंस्टेंट ओट्स और 3 से 4 टीस्पून ले रही हूँ चिया सीड्स। इन दोनों को मैंने एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है और इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ वनीला एसेंस, सिनेमन पाउडर, मिक्स सीड्स, इन सभी को इसमें डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ डाल रही हूँ अनस्वीटेंड आमंड मिल्क। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट डालने से हमारे ओवरनाइट सोक्ड ओट्स और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में डाल रही हूँ हनी और इसे भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम फ्रिज में रात भर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। रात भर में ओट्स और चिया सीड अच्छे से सोक्ड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे अगर हम मॉर्निंग में खा रहे हैं तो रात में हम सोक करके रख सकते हैं, और अगर हम इसे लंच में खाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस हम मॉर्निंग में ही करके रख देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ बनाना, अनार, स्ट्रॉबेरी और कीवी। स्ट्रॉबेरी और कीवी को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया था, तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक ग्लास ले लिया है और इसमें फर्स्ट लेयर डालूंगी अपने ओट्स की। ओट्स को अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके बाद सेकंड लेयर स्ट्रॉबेरीज की डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से फैला देंगे। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ बनाना के पीसीज। बनाना के मैंने पतले पतले पीसीज कट कर लिए थे। अब एक बार फिर से मैं ओट्स की लेयर डालूंगी और अब डाल रही हूँ कीवी की लेयर, इसको भी हम अच्छे से फैला देंगे। इसके बाद हम फिर से डालेंगे बनाना के पीसीज। लास्ट में डाल रही हूँ अनार, इसे भी डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। और अब अपने मिक्स सीड्स से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो बिल्कुल रेडी है हमारा क्विक टेस्टी ओवरनाइट सोक्ड ओट्स, जो बहुत ही डिलीशियस है। ये रेसिपी एकदम इजी है, इसे कोई भी बना सकता है। और देखने में कितनी कलरफुल लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी ओट्स की टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज। ये रेसिपीज हेल्दी हैं, टेस्टी हैं, हाई इन फाइबर हैं, ग्लूटेन फ्री हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। बेल आइकन बटन भी दबा लें, इससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।